आप अजमेर देख रहे हैं। अभी हम लोग हल्दी घाटी से निकलकर एक लंबा सफ़र तय करने के बाद में अजमेर की तरफ चले हैं, जहां पर मोहम्मद चिश्ती की दरगाह है। दोस्तों, ये हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। माय सेल्फ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा और हमारे साथ हमारे परम मित्र डॉक्टर सुजान पटेल जी हैं, जो इस समय गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी अजमेर साइड निकले तो आपको पता चले कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। आप लोग अपना वेकेशन भी यहाँ मना सकते हैं। देखिए कितने सुंदर पहाड़ दिखाई पड़ेंगे आपको यहाँ से। बट यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे अच्छा जो मौसम रहेगा वो जनवरी से लेकर मार्च तक आइए। उसके बाद में काफ़ी गर्मियाँ पड़ जाती हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो बरसात का मौसम छोड़ के ठंडियों में भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी देखिए अजमेर की तरफ हमारा सफ़र जारी है और बहुत जल्दी ही हम अजमेर पहुंच जाएंगे। ये हमारी राजस्थान यात्रा है दोस्तों। हम राजस्थान का एक भव्य इतिहास जानने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान के बारे में मालूम पड़ेगा, कितने बड़े बड़े सम्राट, राजा, महाराजा और राजाओं का देश है। राजाओं का स्थान होने के नाते इसको राजस्थान कहा जाता है। यहाँ पर पन्ना दाह का त्याग, रानी पद्मावती, राणा प्रताप ऐसे महान वीर पुरुष और महान त्यागी महिलाओं का जन्म हुआ है। ये पवित्र भूमि वीरों की भूमि कही जाती है। हम लोगों ने समय का सदुपयोग करके राजस्थान की तरफ निकलना शुरू किया ताकि कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को बता सकें और थोड़ा सा आप लोगों को राजस्थान के बारे में भी ज्ञान प्रदान हो। उसी सफ़र में हमारा एक पड़ाव था हल्दी घाटी, जो हमने कल आपको दिखाया, एक घाटी दिखाई हमने जो हल्दी की तरह पीली थी, जिसके कारण उसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। और राणा प्रताप के परम घोड़े, प्रिय घोड़े चेतक का भी हमने समाधि स्थल दिखाया था। उसी पड़ाव में आगे जाकर व्यावर आया, जहाँ पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया था और अभी हम लोग अजमेर की तरफ बढ़ चले हैं। बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग अजमेर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पर खान है पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं राजस्थान में से। मार्बल है, स्टोन है, कोटा स्टोन है, ऐसे पत्थर निकाले जाते हैं और इस तरह ट्रक पर लोड करके ले जाते हैं, जिनको आगे जाकर कटिंग करके आपके घरों में सुंदर फर्श बनाने के काम में, किचन का फ्लोरिंग बनाने के काम में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको सामने जो दिखाई पड़ रहा है अजमेर शहर, देखिए आपको दिखाई पड़ रही है अजमेर शहर की इमारतें। हाईवे से कितना सुंदर, हाईवे से देखिए कितना सुंदर शहर है। यहाँ पर आप जब हाईवे पर निकलेंगे तो आपको काफी ज्यादा स्लोपिंग हाईवे दिखाई पड़ेंगे, जो ऊपर नीचे की तरफ हो रहे होते हैं। कोरोना के समय में दोस्तों आपको ये फायदा तो है कि आपको ट्रैफिक कम मिलेगा हाईवे पर, पब्लिक का आना जाना बहुत कम है यहाँ पर। ये देखिए अजमेर सिटी का बोर्ड दिखाई पड़ेगा आपको, अजमेर सिटी का बोर्ड अभी गया। हम लोग बिल्कुल अजमेर सिटी के नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ी में से कितना मनोहर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हाईवे देखिए कितना सुंदर हाईवे बनाया हुआ है।